इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहते हैं खबरें हमारी। पन्ना में आदिम जात कल्याण विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। नगर के इंद्रपुरी कॉलोनी में स्थित अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की बालिकाएं रात के अंधेरे में शांति धाम में पानी लेने जाने को मजबूर हैं। छात्राओं ने बताया कि लगभग एक साल से वह पानी की समस्या से जूझ रही हैं। कभी कभार पानी का टैंकर आता है लेकिन वह पानी पीने योग्य नहीं रहता, जिससे वह टैंकर का पानी दैनिक उपयोग में लाती हैं, लेकिन पीने के लिए पानी लेने के लिए शांति धाम जाना पड़ता है। छात्रावास अधीक्षिका का कहना है कि जहां से भी व्यवस्था हो पानी लाओ, अन्यथा अपने घर चली जाओ। आदिम जात कल्याण विभाग के अधिकारी आर के सतनामी से शिकायत करने पर वह बदसलूकी करते हैं। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र को भी आवेदन छात्राएं सौंप चुकी हैं लेकिन निराकरण आज तक नहीं हुआ, जिससे वह पानी के लिए शांति धाम जाने को मजबूर है। पानी नहीं आ रहा तो आ रहे इधर पानी। कहां पर आ रहे हो? शमशान घाट। कब से पानी? आप लोगों को डर नहीं लगता? एक साल तो हो ही गए लगभग। जो शमशान घाट में लोग आने से डरते हैं तो आप लोग आ रहे हैं पानी तो के लिए? क्या करें, अपनी मजबूरी है तो आने पड़ेगा, आना पड़ रहा है सर। पानी नहीं रहेगा पीने के लिए तो आना ही पड़ेगा, क्या करेंगे? जो मैम है तो उनसे नहीं बोला आपने? मैम से बोला, डीओ सर से बोला, कलेक्टर सर के लिए भी आवेदन दिया तो कह रहे थे चलो ठीक है देखते हैं। टैंकर कभी आता हो तो पानी का आ जाता है, दो चार दिन में जो आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। छात्रावासों में सभी व्यवस्थाएं रहती है लेकिन ऐसा छात्रावास है जो व्यवस्थाएं नहीं है। बोल रहे हैं कि कर रहे हैं व्यवस्था लेकिन बजट नहीं है, हम क्या करें? डीओ सर बोलते कि हमारे नहीं है कोई व्यवस्था, बजट नहीं, हम क्या करें? मोलती हम तो आवेदन देते हैं तो हम क्या करें? कब से समस्या झेल रही हैं आप लोग? छह महीने से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी ही नहीं है। क्या नाम है आपका? वहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था? खाने की क्या व्यवस्था है वहाँ पर? साफ सफाई को लेकर जब पानी नहीं रहेगा तो साफ भटक रहे हैं। मैम से बोले, मैम बोली हम क्या करें, जिसको जाना जहाँ जाना है तो जाए। वैसे तो हॉस्टल के लिए रूल्स हैं कि 6:30 के बाहर नहीं जाना। अब आप ही देख लीजिए, यहाँ तो 8:30 का भी समय होने के लिए चला है, 8 बज रहे होंगे समथिंग में, तो हम लोग इतनी टाइम इधर उधर शमशान घाट में, वो भी यहाँ मुर्दा भी जल रहे हैं और हम लोग डरते हुए इधर आए हैं। मतलब अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। कौन सा छात्रावास है ये? अनुसूचित जाति जनजाति कन्या महाविद्यालय छात्रावास इंद्रपुरी कॉलोनी। ना पानी की समस्या कम से कम एक साल से चल रही है, बट पहले ऐसा था कि 15-20 मिनट पानी आता था, अब वो 6 महीने से इतनी कंडीशन है। मैम से बोल रहे हैं, मैम कहती मैं क्या करूं, मेरा बजट नहीं दे रहे हैं जो पुराना डाला है। डीओ सर के पास गए, कहते मैं क्या करूं, अधीक्षिका मैम कहीं तुम्हारी, कलेक्टर सर के यहाँ भी आवेदन दिया सारी लड़कियों ने, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब लड़कियाँ ना बिल्कुल पानी नहीं हमारे इधर आता है, बगल वही हॉस्टल है तो वहाँ भी नहीं। मैम को कोई चिंता ही नहीं है सर की, लड़कियाँ मेरी कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही पानी भरने। मतलब यहाँ ना 8 बजे 8:30 बजे लड़कियाँ पानी भरने आती हैं तो यहाँ लड़के भी बैठे रहते हैं, गंदे कमेंट करते हैं। कौन सी जगह है जहाँ पानी भरने आई हुआ? शमशान घाट है, इतनी रात में लड़कियाँ यहाँ शमशान घाट पानी भरने आती हैं। और हमारे हॉस्टल का नाम है शासकीय अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय छात्रावास इंदपुरी कॉलोनी। तो क्या आपको डर नहीं लगता रात में यहाँ? डर लगता है क्या करें सर, पानी तो हमको चाहिए है ब्रश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, खाना बनाने के लिए। वहाँ पर कितनी बच्चियाँ हैं? आप 50 लड़कियों का हॉस्टल है पर वहाँ 50 लड़कियाँ नहीं है, अभी तो 20-25 लड़कियाँ हैं बस, 15 लड़कियाँ। और क्या व्यवस्था रहती है वहाँ पर? खाने की व्यवस्था, खाना भी बिल्कुल सही नहीं मिलता। मतलब लड़कियाँ मतलब पेट भरती हैं। वहाँ पर जो मैम रहते हैं उनके उनके कुछ लोग भी वहाँ पर आते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता? नहीं, उनके लोग तो नहीं आते हैं, वो घर है, मैम भर जाती आती हैं, बट समस्या बिल्कुल सही नहीं है हॉस्टल की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी कोरी है। कौन से छात्रावास से और क्या समस्या जाती है? जनजाति महाविद्यालय छात्रावास इंदपुरी कॉलोनी से है। हमारी पानी की बहुत समस्या है, हम प्रतिदिन मतलब यहाँ आते हैं। वैसे तो है कि मतलब 6:30 के बाद कोई एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ 8 बजे पानी के लिए आते हैं तो ये एंट्री है। और खाने में कोई टेस्टी खाना नहीं बनता ना। डीओ साहब बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। क्या है ना, जो उनसे बात करो इतनी बदतमीजी से बात आती है। एक दिन हमने बात की थी तो बोल रहे थे, हमने कहा हम शिकायत कर देंगे, बोल रहे थे कि यार कर दो, ये कौन सी बात है यार यार करके बात कर रहे थे बहुत तमीजी से। क्या नाम है डीओ साहब का? डीओ सर का नाम है सतनामी। तो क्या चाहते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के लिए? मतलब कि हमारी व्यवस्थाएं अच्छे से कराएं, नहीं वो सस्पेंड हो जाएं बस। क्या नाम है? अभी रात में पानी भरने आए, डर नहीं लग रहा शमशान घाट? डर तो लगता है लेकिन क्या करें, इतनी गर्मी है पानी नहीं पियेंगे तो मर नहीं जाएंगे। और तो जीवन मैम ने मैम से बोला, जो अधीक्षक मैम है उनसे बोला है तो वो कहती है कि हम मतलब कि कुछ नहीं कर सकते। आप
जो अधीक्षक मैम से बता कर आए कि बिना बता कर आए आप लोग बाहर? तो उनको व्यवस्था करना चाहिए, आप लोगों के साथ कोई घटना घट जाए, आप लोग बाहर हैं एक आधे किलोमीटर के लगभग, तो कोई घटना घट जाए कौन होगा जवाबदार इसका? मैम होंगी, डीओ सर, मैम डीओ सर होंगी। हैं कौन होगा हमें समझ सुनाई नहीं दिया? मैम होंगी, डीओ सर, डीओ सर उनकी मर्जी से तो आते हैं, उनकी मर्जी से तो आते हैं, वो बोलते हैं जहाँ जाना हो जाए। आपका नाम? इतना डर होता तो कहे कि भेजते पानी, जब उनको इतना डर होता तो सब। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जयंती अहिरवार है। एक तरफ मामा बालिकाओं को अपनी भांजी कहते हैं, भांजियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मामा की भांजियां पानी के लिए मजबूर हैं। आज की तारीख में उन्हें अपने छात्रावास में पानी तक नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया कि जल जीवन मिशन में हर घर को जल, हर घर को नल। मेरी बहन शादी होकर के जा रही है तो घर में जाएगी और नौ टोटी से नल से पानी खोल करके अपने घर में पानी का उपयोग करेगी। जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वे सब आंख बंद करके बैठे हैं, उन्हें बालिकाओं की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। मज़ेदार बात तो यह है कि पन्ना विधानसभा के विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मंत्री भी हैं, लेकिन मंत्री जी भी बालिकाओं की समस्याओं से अपने आप को अनभिज्ञ पाते हैं। यदि मंत्री जी विशाल खबर की ये आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बालिकाओं की पीड़ा और परेशानी को समझते हुए पानी की व्यवस्था कराने का प्रयास करें, अन्यथा जिस तरीके के हालात पूरे प्रदेश में हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां पूरे प्रदेश में निर्मित हो रही हैं, उसको देखते हुए 2023 का चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी मुश्किल है कि जब आम आदमी की परेशानियां, आम आदमी की पीड़ा सत्ता में बैठे हुए लोग जब अनसुना करने लगते हैं तो जनता के पास सिर्फ एक ही चारा होता है कि जब आम चुनाव आते हैं तो वे अपनी पीड़ा और परेशानी को देखते हुए यह समझ जाते हैं कि जिस सरकार को हमने वोट दिया था, जिस पार्टी को हमने वोट दिया था, उस पार्टी के लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हमें अब दूसरी पार्टी को वोट देना चाहिए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।